अब यहां पे सबसे पहले चीज हमने ये एंगल एंड जो ये एंगल है, इन दोनों को क्या लिया था? ऑल्टरनेट एंगल्स लिया था। इसका मतलब ये क्या आएगा? वाई आएगा। फिर हमने यहां पे और एक एक चीज ऑब्जर्व किया, दैट इज एंगल डी ई एफ जो है ये इक्वल टू है किसके साथ? एंगल जी एफ एम के साथ। डी ई एफ जो है ये बेसिकली क्या है? 2x है। यहां पे जी एफ एम जो है ये क्या है? y है। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या रहेगा? x इक्वल टू रहेगा y अपॉन 2। ओके, अब जरा ऑब्जर्व करो, आपका x जो है ये कौन से एंगल के बराबर है? ये डी ई जी के बराबर है। आपका y कौन से एंगल के बराबर है? आपका y एफ डी ई या फिर ई डी एफ, जो भी आपको मेंशन करना है आप लिखना। तो यहां पे आएगा एंगल ई डी एफ, नीचे क्या आएगा? डाउट है इसमें पूछ लेना। अब यहां पे सबसे पहले ये जो डी ई है ये पैरेलल है किसके साथ? जी एफ के साथ पैरेलल है। एंड यहां पे जो ई जी है ये ट्रांसवर्सल जैसे एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल एक्स रहेगा तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या रहेगा? एक्स रहेगा। दोनों क्या रहेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आप लिखना एंगल डी ई जी इक्वल टू एंगल ई जी एफ, ये इक्वल टू क्या रहेगा? एक्स। इसका रीजन इज कि दीज बोथ आर व्हाट? ऑल्टरनेट एंगल्स रहे। ओके, अब ये ट्रायंगल को जरा आप कंप्लीट कर दो। यहां पे ये एंगल कितना था? ये तो पहले से एक्स था। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट करेंगे जी एफ, या फिर आप इधर लिख सकते हो जी एफ इक्वल टू क्या रहेगा? ई एफ। ठीक है, यहां पे जो जी एफ रहेगा ये ई एफ के बराबर रहेगा। इसका रीजन आप क्या लिखोगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम के ऊपर। चाहे तो एक और एक स्टेप लिखना, एंगल जी ई एफ जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई जी एफ के साथ, और ये इक्वल टू क्या रहेगा? कोई डाउट है तो है ना।